फ्रिज रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं हरी मिर्च और टमाटर की सब्जी बनाऊंगी जो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बटन है उसे हिट कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन पहले आपके पास आ जाए। शुरू करते हैं। 16-17 हरी मिर्च है जो तीखी नहीं है और 6-7 टमाटर है, 50 ग्राम पीली सरसों है, कसूरी मेथी है, विनेगर है वाइट विनेगर, हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और काली मिर्च पाउडर, अब और सरसों का तेल। एक जार लेंगे, इसमें सरसों का दाना डालकर इसका हम पेस्ट बना लेंगे। इसमें थोड़ा पानी डालकर पेस्ट बनाएंगे। और ये इस तरह से पेस्ट हम बना लिए हैं। अब हम मिर्ची को काट लेते हैं। मिर्ची को हम अपने हिसाब से काटेंगे, छोटा बड़ा अपने हिसाब से साइज लेना है। इस तरह से हम मिर्चियों को काट लेंगे। लंबी मिर्ची है, 3-4 टुकड़ा हो जाएगा। ज़्यादा तीखा मिर्ची इसमें नहीं लेना है। इस तरह से काट लिए। और अब हम टमाटर को काट लेते हैं। इसका 4 टुकड़ा करेंगे हम, बहुत बारीक टमाटर को नहीं करना है। अगर बड़ा टमाटर है तो इसका 8 पीस बनाएंगे और छोटा है थोड़ा तो इसका 4 पीस बना लेंगे। इस तरह से हम 4 टुकड़ों में सभी टमाटर को काट लिए। हरी मिर्ची और टमाटर कट गए हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम सरसों का तेल डालकर इसको गर्म करेंगे और गर्म तेल में हम लहसुन मिर्ची का पेस्ट 1 चम्मच लेंगे। इसका मॉइस्चर हटाएंगे, आधा मिनट तक इसको हम मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। लगातार चलाते रहना है, इस तरह से चलाते रहना मॉइस्चर इसका निकल जाए। अब हम इसमें सरसों का पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट डालकर हम चलाएंगे, इसको अच्छी तरह से भूनना है पेस्ट को, इसका कच्चा जो भी है निकल जाए, इसलिए हम इसको लगातार चलाते रहेंगे मीडियम आंच पे। अब इसमें आधा चम्मच काली मिर्च है डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, फिर इसे चलाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे इसको हम आंच को कम करेंगे और ज़्यादा करेंगे। इस तरह से करके हमें सरसों के मसालों को अच्छी तरह से भूनना है। ये भून गया है, मुझे लग रहा और ही भुनेगा, थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल कर इसका पूरा अच्छा से इसका कच्चा निकल जाए तब तक हम इसे भूनेंगे। थोड़ा पेस्ट गाढ़ा होने लगे तब हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं ताकि और भून जाए। पाँच से छः मिनट लगते हैं। अब नमक डाल देंगे, इसको फिर से भुनेंगे। तो भूनते भूनते इसका पूरा पानी सूख जाएगा और कम हो जाएगा। और इस तरह से पूरा कलर भी चेंज हो गया है, भुन गया है। अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। मसालों को भुनने में 5 से 6 मिनट लगा है। अब हरी मिर्च को हम डाल देंगे। इसमें चलाने में दिक्कत हो रहा तो इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये इजीली से चल जाए। इस तरह से चला लेंगे, थोड़ा पानी और डाल देंगे। अब इसमें हम टमाटर, कटे हुए टमाटर डाल देंगे। मिर्ची और टमाटर को ज़्यादा नहीं पकाना है। मसालों में अच्छी तरह से मिला लेंगे टमाटर और मिर्च को, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके इसको सभी तरह से मिला लेंगे तो ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा थिक होगा तो चलेगा नहीं टमाटर और मिर्च। एक से दो मिनट तक हम इसको गैस पर मीडियम आंच पर चलाते रहेंगे। ज़्यादा पक जाएगा इसलिए हम इस पर ध्यान देंगे कि ज़्यादा नहीं पकाना है। 2 मिनट तक इसको भूनेंगे। अब हम इसमें
विनेगर डाल देंगे 3 चम्मच। हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे बहुत ही टेस्टी लगता है, चटपटा बनता है। अब इसमें और पानी हम डाल दे रहे हैं ताकि इसको 2 मिनट से ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे गैस पर, मीडियम आंच करके पका लेंगे 2 मिनट। 2 मिनट हो गए हैं, अब बहुत ज़्यादा नहीं गले हैं मिर्च, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। अब हम इसमें कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे, ऑप्शनल है कसूरी मिर्च, नहीं पसंद है तो ना डालें। हरी मिर्ची और टमाटर की सब्ज़ी बन कर के तैयार है और बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं और बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।